Hello everyone, welcome back to Learn with Utkarsh. In today's video, we will learn how to download Power BI for free on Windows 10 and Windows 11. So basically Power BI जो है वो एक visualization tool है जिसकी help से हम लोग like different models बना सकते हैं, data models जिसे हम कहते हैं, ठीक है. With the help of Power BI, we can build data models. Like in the form of graphs, in the form of pie charts, histograms. So ये सारी चीज़ें हम लोग Power BI की help से कर सकते हैं. So Power BI का हम लोग online account भी बना सकते हैं subscription लेके, और Power BI हम लोग free में भी download कर सकते हैं हमारे desktop पर, ठीक है. So let's see how to download Power BI for free. For that, go to the Google and search here for Power BI. Here you get the first link, that is Microsoft Power BI. Click on this link. ये है हमारी Power BI की वेबसाइट, ठीक है. यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे Power BI. For that, just go to the products. यहाँ आपको टिक करना है Power BI desktop के ऊपर. Click on this Power BI desktop. So as you can see here, यहाँ पर आपको blue link दिख रही होगी. Wait, okay. So download free, see downloads और लैंग्वेज ऑप्शंस, ठीक है. सो आपको क्लिक करना है लैंग्वेज ऑप्शंस के ऊपर. सो हियर वी आर. अभी यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है. लाइक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इंग्लिश है, ठीक है. यहाँ पर आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जो भी लैंग्वेज आपको लाइक सुटेबल लगे, यू कैन सिलेक्ट दैट. सो हम डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पावर बीआई का वर्जन, राइट. सो यहाँ आप रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं. अगर आपको पता नहीं है कि आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक 32 बीट का है आपका स्टोरेज या फिर 64 बीट का है. सो अगर आपको नहीं पता तो गो टू दिस सिस्टम, इनटू द सर्च बार. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आपको यहाँ दिख जाएगा लाइक सिस्टम टाइप में आप यहाँ देख पा रहे होंगे X64 बेस्ट पीसी, ठीक है. सो 64 बीट पर आप क्लिक करेंगे. सो यहाँ से आप जान सकते हैं आपको कौन सा चूज़ करना है ये, ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या है आपके सिस्टम का. देन यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है कुछ फाइल्स की, लाइक वर्जन कौन सा है, वो सारी चीज़ें. एंड इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन. एज यू कैन सी हियर, मेरा जो लैपटॉप है वो है 64, ठीक है. उसका रिक्वायरमेंट 64 बिट है. तो हम यहाँ पर 64 EXE पर क्लिक करेंगे. एंड यहाँ पर टोटल साइज़ है 479 MB. क्लिक ऑन नेक्स्ट. So as you can see, it start downloading. It will take some time, so we need to wait. Let's wait for some time. Yeah, इसका downloading complete होते आ रहा है. As you can see here. Yeah, so let's open this file. Double click on this file. Yeah, now it's opening. So as you can see here, installation का हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. यहाँ आपको इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है. एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, ओके. यहाँ हम पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, सारी चीज़ों में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दिए हैं, ठीक है, इससे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। नेक्स्ट, अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो यू कैन डू दैट, बट हम बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही रहने देंगे जो कि सी ड्राइव में है। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। क्रिएट शॉर्टकट पे अगर आप टिक करते हैं तो ये आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट दे देगा। इंस्टॉल पर क्लिक करके आप अपना डाउनलोड इंस्टॉलिंग स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक सम टाइम अगेन। Let's wait for few seconds. As you can see here, एक डेस्कटॉप पर आइकॉन आ गया है पावर BI डेस्कटॉप का। Okay, so installation is to done. Click on finish and आपको जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर डेस्कटॉप पर, ठीक है, सो इस पर आपको क्लिक करना है, इसे ओपन करना है। आपका इंस्टॉलेशन डन हो चुका है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि इसे ओपन कैसे करते हैं, कैसा इसका GUI दिखता है। सो लेट्स सी। So as you can see here, this is the GUI of Power BI Desktop. यहाँ पर आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू डाउनलोड द Power BI for Desktop. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.